बलिया में समाजवादी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का इरादा जता दिया है। मंच से जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। वह संभव ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। सुबह सभा नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा, कल अखिलेश यादव के मंच पर मेरा अपमान किया गया। हम समाजवादी पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे और अगर शिवपाल यादव ने आज मुझसे संपर्क किया होता तो मैं यह विकल्प नहीं चुनता। समाजवाद पार्टी के जिलाध्यक्ष और मौजूदा विधायक संग्राम सिंह ने यह साजिश रची है। नारद राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुझे बहुत दुख है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में अपना पिता बताया। उन्होंने कहा, जब पिता मर जाते हैं तो घर पर या राजनीति में पूछने वाला कोई नहीं होता। अखिलेश को इन दिनों पूछने वाला कोई नहीं है। 1 जून को बलिया में 7वें चरण का चुनाव होगा। चुनाव से कुछ देर पहले ही नारद राय का पार्टी छोड़ना सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बार बलिया से सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने आगे किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर उनके प्रतिद्वंदी हैं।